अजित मलिक ग्राम पंचायत काजी खेड़ा प्रधान। आज की इस युग में प्रधान को बड़ी समस्याओं के सामना करना पड़ रहा है विकास कार्य कराने के लिए। विकास कार्यों में सरकार की बनाई हुई नीतियां बाधित कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा बाध्य तो ये है कि अगर कोई ग्राम पंचायत के अंदर विकास हम करा रहे हैं उसकी कार्य योजना जिले स्तर पर चली गई, मगर ऐसा तो भविष्य ज्ञान रखता हुआ प्रधान नहीं है कि क्या कर को क्या जरूरत पड़ जाए, उसमें एक सीमित दायरे का अमाउंट में रखते हैं जी। और वो एक बार नेट पर दर्ज होने के बाद वो दोबारा आकस्मिक मत में यूज नहीं किया जाता, उसके लिए फिर जिले पर कार्य योजना में फेरबदल करवाना पड़ता है जी। उसमें भी लिमिटेड टाइम इन्होंने रखा हुआ है जिसके लिए गांव में विकास कार्य कराने में बाधाएं सामने आती हैं। हालांकि हम अपने स्तर से पानी निकासी के लिए नालियां, सड़कें ये सब सुचारू रूप से बनवा रहे हैं। आज की तारीख में जब से हम प्रधान बने थे, जब उससे पहले कई रास्तों पर पानी की निकासी के लिए समस्याएं थी, आज की तारीख में ऐसी कोई समस्याएं हमने नहीं छोड़ी। बाकी सरकार अब एक और नीति है जो चौदहवीं को लेकर ला रही है, इससे ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में खासा नुकसान होगा, बाधाएं पैदा होंगी। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो भविष्य में आने वाले समय में नुकसान करेंगी ग्राम पंचायतों में। और सबसे बड़ा जो दिक्कत आज चल रही है शौचालय की, शौचालय का हमारे ज़िले में पैसा डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में जा रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है कि लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जाए, मगर समस्या हमें एक बात की है, मगर उसमें प्रधान को बीच में ना घसीटा जाए। प्रधान का इन्वॉल्वेशन ठीक है, प्रधान प्राथमिक प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है गांव का, मगर अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो उसके खाते से ग्राम पंचायत की निधि से अगर शौचालय बने तो उसका उसका उसकी जिम्मेदारी हो, नहीं तो उसे जिले स्तर से भी भाग अपने आप देखे। उसमें मेरा एक सुझाव है प्रशासन के लिए जी। इसके लिए सरकार को एक जिले से टीम गठित करनी चाहिए जिसमें जेई और जिले स्तर के विभागीय अधिकारी जो सिविल डिपार्टमेंट से हों उनके अंतर्गत ये कार्य कराए जाए, ना कि इसमें प्रधान को घसीटा, जिम्मेदारी विभाग की है।